हिंदुस्तान नाम के परिवार में एक हादसा हुआ है कल पुलवामा में अटैक, 38 से 40 बंदे मारे गए। तो मैं भरे गले से और भारी दिल से ये आपको खबर दे रहा हूं कि अगर मेरा परिवार सामने होता, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, तो मैं उससे बोलता कि यार प्लीज एक मिनट के लिए खड़े हो जा और कुछ ना किया। थोड़ा नजारा चटपट बात यही कहां आते जाते। और पीयूष मिश्रा को मैं पिछले 4 सालों से सुन रहा हूँ, भले उनकी पोएट्रीज हों भगत सिंह वाली या उनके गाने हो हुस्ना हो गया, कोक स्टूडियो में जितने भी गाने हैं, और उनके लिरिक्स और उनके थॉट्स बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे, तो मैं उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ आगे जाके, पोएट प्लस लिरिसिस्ट। गली के नुक्कड़ पर जो कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है। मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और मैं पहली मरतबा इस जलसे में आया हूँ जिसका नाम है पुनः स्मार्ट है। कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुस्सायों में होता है। गाड़ी का गर्म उजाला धीमे धीमे धोता है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और बाकी तो पुना तो वैसे भी रिस्कों का शहर है, ऐसे लोग बचते हैं यहाँ पर, तो हम भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करने के लिए आ गए। इनकलाब जिंदाबाद, बहुत मज़ा आया। आणि काल जे काही आपल्या देशात घडलं ते येऊन असं वाटलं होतं की कदाचित शो कॅन्सल होईल, पण शो झाला आणि जे आपले जवान शहीद झाले त्यांना आदरांजली वाहत पियुषजींनी अतिशय उत्तम शो केला। हुस्न हे सॉन्ग ऐकण्यासाठी जास्त गर्दी होती, ते सॉन्गनं गाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला का तर आपल्या जवानांना त्यांनी ते अर्पण केलं। खूप भारी एक्सपिरियन्स होता, पुण्याचा क्राऊड आहेत शेवटी, भारी चेअरिंग आणि सगळीच गाणी वेगवेगळी होती, अमेझिंग एक्सपिरियन्स होता, लाईफ टाईम लक्षात राहील।